हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आई। इस तरह से देखिए, एक पीस मैंने कपड़े का लिया है और राइस बैग लिया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कपड़े के पीस के ऊपर राइस बैग को किस तरह से क्विल्ट करते हैं। पहले देखिए, मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का कपड़ा लिया है और उसी के इक्वल मेजरमेंट का मैं राइस बैग ले लेती हूँ। देखिए, मेरे पास इस तरह से कुछ पिंस पड़ी थी, मैं इनको इस तरह से इस पर लगा लेती हूँ। अगर आपके पास ये पिन ना हो तो सेफ्टी पिन लगा सकते हैं इसकी तरह से, या फिर सुई धागे से आप पूरी को चारों तरफ से इसको सिल सकते हैं। देखिए, चारों तरफ मैंने इसके सिलाई लगा ली है मशीन सुइयाँ। अगर आपके मतलब अगर कपड़ा बार बार हिल रहा है तो आप चारों तरफ थोड़ी ज़्यादा सुइयाँ लगा लीजिए, ठीक है। वैसे चारों तरफ अगर आप एक एक सुई भी लगाएंगे तो ये कपड़ा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसे कट कर दिया। अब इसी के इक्वल मेजरमेंट का मैंने एक कपड़ा और लिया नीचे के लिए, ठीक है। जो पिन हमने मतलब ऊपर वाले पिन लगाई थी वही पिन हम हटाएंगे और साथ के साथ नीचे वाले कपड़े को भी उसी के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, अब देखिए चारों तरफ मैंने पिन लगा लिए। अब मैं सिलाई मशीन पर आ गई हूँ। देखिए 16 नंबर की मैंने नीडल लगाई हुई है, सुई है जो मेरी 16 नंबर की है और मशीन है सिंपल सिलाई मशीन है सिमरन वाली मेरी। तीनों पीसों को क्विल्ट करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम जो बिल्कुल साइड है कॉर्नर से बिल्कुल हट के थोड़ा सा जहाँ जितनी ज़्यादा कपड़े की लंबाई है उस साइड से हम सिलते जाएंगे। दोनों तरफ से कपड़े को हाथ के साथ एडजस्ट करते जाएंगे। हमें जो सिलाई लगानी है वो एक साइड में ही लगानी है लंबाई में, ठीक है। जो चौड़ाई वाली सिलाई है वो हम नहीं लगाएंगे। एक बार सिलाई हम इस साइड से लगाएंगे, दूसरी तरफ सिलाई हम दूसरी साइड से लगाएंगे। देखिए जैसे एक लंबाई में मेरी सिलाई हो गई है, ठीक है। अब मैं इस साइड से सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। कपड़े को हमें खींचना नहीं है, सिंपली उसको एडजस्ट करते हुए जाना है। पिंस वगैरह हमने लगा रखी है, कपड़ा वैसे भी हिलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमारी सिलाई लगी है। ईजिली बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी क्विल्टिंग हो जाएगी, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किनारे वाली सिलाई लगाएंगे, ठीक है। साथ के साथ जो पिन हमने लगाई है उन्हें भी हम निकालते रहेंगे। बहुत ही ईजी तरीका, इस तरह से कोई भी झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी कपड़े में। और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी कपड़े में कहीं भी झोल नहीं आ रहा है। ये जो दो सिंपल ट्रिक्स होती है इनका हमें ध्यान रखना होता है, इजीली हमारी क्विल्टिंग हो जाती है। जो नीचे वाला कपड़ा है वो हमें चारों तरफ से एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा जो होता है हम जैसे मशीन पे बार बार लगातार इन कट्टे वगैरह को ये राइस बैग वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से नीचे वाले कपड़े की जैसे जो इसके दांत से होते हैं वो घिस जाते हैं और वो कपड़े को थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए नीचे वाला कपड़ा हमें ऊपर वाले कपड़े से हमें चारों साइड हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। ये देखिए हमारी सिलाई हो गई है किनारों पे से, ठीक है। जो पिन वगैरह वो मैंने निकाल दिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसे कट कर दूँ, क्योंकि साइडों में हमारी सिलाई लग चुकी है। अब साइडों वाला तो कपड़ा हमारा निकलेगा नहीं, लेकिन जो ऊपर की साइड वाला कपड़ा है और जो नीचे की साइड वाला कपड़ा है हम पूरी सिलाइयाँ लगा लेंगे, उसके बाद ही हम वो कपड़ा कट करेंगे। देखिए मैंने हर जगह से इस पर जितनी पिन लगाई थी सारी हटा दी, क्योंकि मैंने इस पर 4 सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। या चाहो तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले स्टार्टिंग में ही सेंटर में सिलाई लगा सकते हैं, इससे भी आपका कपड़ा कहीं भी हिलेगा नहीं, ना ही किसी प्रकार का झोल पड़ेगा और क्विल्टिंग करनी बहुत ही ईजी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया। अब देखिए बीच बीच में भी मैं एक एक सिलाइयाँ और लगा देती हूँ। एक बार इस साइड से सिलाई लगाऊंगी और दूसरी बार इस साइड से सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरह से हमें ये सिलाई यहाँ से लगानी है। देखिए इस तरह बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, कितना ही मोटा कट्टा हो या फिर कपड़ा कैसा भी सिल्की वगैरह हो तो बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ेगा, हल्का सा झोल भी नहीं पड़ेगा फ्रेंड। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमने कट लगा लिया। अब इसको घुमाएंगे, अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। एक बार ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे, एक बार नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल आराम से। जो अंदर की तरफ कपड़ा हमारा मतलब लंबा पड़ रहा है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। आराम से फोल्ड करते जाइए और स्टिचिंग करते जाइए, बहुत ही ईजिली आपका कपड़ा क्विल्ट हो जाएगा। देखिए एक बार में तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, आप बार बार इसे इस तरह से करोगे, बैग बनाओगे, जब क्विल्टिंग करना सीखोगे, बार बार करोगे, प्रैक्टिस से ही हर चीज़ परफेक्ट होती है। जैसे जैसे आप इसे करते जाओगे आपका हाथ इस पर सेट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्विल्टिंग करनी आ जाएगी। देखिए इस तरह से मैं कहीं से भी कपड़े को खींच नहीं रही हूँ, सिर्फ कपड़े को एडजस्ट कर रही हूँ ताकि मुझे तो बीच में ना आए सिलते हुए। सिर्फ मैंने किसी भी प्रकार से कपड़े को कहीं भी एडजस्ट भी नहीं किया है, ठीक है। इस तरह से ये ऊपर की तरफ जो हल्का सा कट्टा दिखाई दे रहा है, थोड़ा झोल यहाँ पर मेरे मतलब कपड़े में ही कैंड थी, तो
इसी वजह से आपको ये झोल दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से भी लंबाई में सिलाई लगा ली है। बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से मैंने आपको पीस को क्विल्ट करना बताया। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा पीस को क्विल्ट करने का। ये देखिए आपको लग रहा होगा फिलहाल हल्का फुल्का झोला है, बिल्कुल भी झोल नहीं है। देखिए मैं साइड में से कटिंग करूँगी और इसके ऊपर प्रेस लगाऊंगी ना तो बिल्कुल अच्छे से ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। हल्का फुल्का सा भी कहीं भी कोई झोल मेरा इसमें नहीं आया। देखिए एडजस्ट, देखिए अभी तो मैं सिर्फ हाथ से इसको प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, देखिए कहीं भी कोई झोल नहीं है कपड़े में और बहुत ही अच्छा सा क्विल्टिंग पीस हमारा रेडी हो गया है। आई होप ये देखिए इस तरह से बैक साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल कहीं भी कोई झोल नहीं आया। अगर आप ये तरीका यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे से आप क्विल्टिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई आइडिया के साथ। आई होप आपको ये आइडिया मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।